नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू स्पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि हम आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आपका पर्यावरण सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और आपका खेल एवं कार्य का आज पांचवा सेशन है और दिन हमारा है 43, जिसमें हम आपके रोज़ एक टॉपिक को उठाकर उसके 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। यानी कि 7 दिन हम आपका एक ही क्लास चलाते हैं 15-15 क्वेश्चन की, जिसमें हम आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं एक ही टॉपिक के। तो हमारे खेल एवं कार्य का ये आज लास्ट लेक्चर है, कल हम अगला लेक्चर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और आपको बता दूं कि हम आपका हर रविवार के दिन मिक्स क्वेश्चन का एक सेशन रखते हैं, इसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखते हैं। अभी ये आपके सेशन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यानी कि आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी तैयारी बेहतर तरीके से चल सके। इसी के साथ हम आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, कि किस अवस्था में लिंग खेल को प्रभावित नहीं करता है। आपको ये बताना है कि जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनकी कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें ये चीज़ मायने नहीं रखती कि वह लड़का है कि लड़की है। तो आपके पास ऑप्शन है शेषावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था, वयस्क और उपयुक्त सभी। तो जो शेषावस्था होती है, मतलब बच्चे जो छोटे रहते हैं, लगभग बहुत छोटे रहते हैं, जो बच्चे आपस में खेलते हैं उसको बोलते हैं शेषावस्था। तो उनमें वो ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि लड़का है कि लड़की है, उनको बस अपने खेल खेलने से मतलब होता है। वो सिर्फ अपने जो भी मनोरंजन के खेल हैं उनमें बस मस्ती करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। और बाकी यदि हम देखें वयस्क है, किशोरावस्था है, तो इसमें आपकी टीम बन जाती है कि लड़कों की टीम अलग, लड़कियों की टीम अलग। तो ये अलग अलग प्रकार से इनमें प्रभावित होते रहते हैं खेल। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर दो है, खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थापन और अतीत की घटनाओं से मुक्ति और पुनर्जीवन का एक रास्ता है। यह बहुत ही अच्छी बात कही गई है और बहुत ही विचार करने योग्य बात है। जैसे कि खेल क्या करता है, आपकी अपूर्ण रह गई इच्छाओं के स्थापन में और अतीत में घटनाओं की, जो भी घटना है उनकी मुक्ति। तो जब हम खेल खेलते हैं ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, जो घटना घटित हुई है वो, और आपकी इच्छा यदि पूरी रह गई हो तो हम कभी बोलते हैं ना कि मैं बचपन में ये खेला करता था, ऐसा हुआ करता था। तो वो आपको उन सभी चीज़ों की याद भी दिलाता है। तो यह उस वाले जीवन का एक वो रास्ता है जो आप पहले बिता चुके हैं। तो यह बात किसने कही है, आपके पास ऑप्शन है एरिक्सन, अन्ना फ्राइड जी ने, एक या दो, दोनों ने कही है, फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो यह परिभाषा इन दोनों के द्वारा दी गई थी। तो एक और दो दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन। आज के सेशन में हमने आपके जो महानुभाव हैं उनके द्वारा दी गई सिद्धांत खेलों के बारे में वो भी हमने कवर किए हैं, साथ में आपके विभिन्न प्रकार के खेल से संबंधित क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड किए, यानी सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं आपके खेल से संबंधित। खेल के संवेगात्मक पक्षों पर बल देती है, सामाजिक विकास का दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, खेल का संरचनावादी सिद्धांत और खेल का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मनोविश्लेषणात्मक पद्धति जो है ये खेल में संवेगात्मक पक्षों पर बल देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। खेल को सामाजिक आदान प्रदान के लिए एक रूप की तरह किसने देखा है। हमारे पास ऑप्शन है एरिक्सन ने, अन्ना फ्राइड ने, पियाजे ने या पार्टेल ने। तो सामाजिक आदान प्रदान की तरह किसने देखा है खेल को, तो वो आपके पार्टेल जी ने। तो ऑप्शन नंबर फोर आपका सही हो जाएगा। ये इनकी डेफिनेशन, इनके सिद्धांत ही आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की विकसित होती हुई मानसिक क्षमताओं में खेल एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं आप ये भी जानते हैं कि शारीरिक, मानसिक, मनोविज्ञानिक सभी तरह की क्षमताएँ जो खेल के द्वारा विकसित होती है, कथन किसका है। तो आपको जो मानसिक क्षमताओं का विकास जो खेल के द्वारा होता है यह कथन सिर्फ किसने दिया है, आपके पास ऑप्शन है पियाजे जी ने, फ्रायट का, पाटिल का, कोहलवर का। तो आप विचार करके बताइए कि यह किसका है ऑप्शन। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। मैं थोड़ा रुक रुक के आपको आंसर बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप भी थोड़ा कोशिश करें कि इसका आंसर क्या आएगा बताने की। अगला हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब अपने सिद्धांत वाले क्वेश्चन हमने कल वाले वीडियो में कवर किए थे, साथ में 5 में 20 क्वेश्चन हमने सिद्धांत वाले कर लिए, जिसमें हमने पियाजे है, अगस्त की है, इनके द्वारा जो भी दिए गए थे सिद्धांत वो हमने पढ़े। अब हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ड्रिबल शब्दावली के खेल के साथ जुड़ी हुई है, किस खेल के साथ जुड़ी हुई है, बैडमिंटन, हॉकी, पोलो, क्रिकेट। तो आपको बताना है कि ड्रिबल शब्दावली किस खेल के साथ जुड़ी हुई है। तो ड्रिबल शब्दावली का उपयोग हम हॉकी के साथ यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किसकी किस व्यक्ति के साथ सूटेबल नहीं है। माइकल जॉनसन धावक है, बेरिस
बेकर लॉन टेनिस से संबंधित है, राफेल नडाल स्विट्जरलैंड से हैं, और स्मैश वॉलीबॉल से। तो आपके ये सारे सही है। माइकल जॉनसन जो है ये आपके धावक है, बेरिस बेकर लॉन टेनिस के खिलाड़ी है, राफेल नडाल स्विट्जरलैंड से है, और स्मैश जो है वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना, बाकी तीनों सुमेलित है। मोटिवेशनल थॉट में स्टार्टिंग में डालता हूँ तो वीडियो आपका बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आज बीच में इसको इंटर कर दिया ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि बुरे बहुत लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी वह सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है। यानी कि कोई व्यक्ति आपसे बोल देता ना कि तू ये नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, और यदि आपने उसकी बात को दिल पे ले लिया तो दो तरह से उसके रिजल्ट निकलेंगे। एक पॉजिटिव रिजल्ट ये निकलेगा कि या तो आप उसकी बात को दिमाग में रख के अच्छे से प्रयास करने लग जाएंगे, या फिर उसकी बात को लेकर बैठ जाएंगे हताश होकर कि मुझसे नहीं हो सकता इसीलिए इसने ऐसा कहा, दो चार लोग और मिल जाए उनने और बोल दिया आपको ऐसा कि तू नहीं कर सकता, तो फिर तो आप वो नेगेटिव ले लेंगे उस चीज़ को। लेकिन आपको उन चीज़ों से पॉजिटिव एनर्जी लेना है, और आपको ये साबित करके बताना उन लोगों को जिन्होंने आपसे ये कहा है कि आप ये नहीं कर सकते, उनको ये साबित करके बताना है कि आप ये कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, शब्द बंकर किससे संबंधित है? पोलो, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पोलो। ठीक है दोस्तों, पोलो दो तरह का होता है, आपका जो वाटर पोलो होता है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, नॉर्मल पोलो में आपका क्या होता है अंडर वाटर पोलो जो आपको होता है उसमें 9 खिलाड़ी, और नॉर्मल पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन हमें बताना है। आपका जो ऑप्शन है, टेबल टेनिस का खेल का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ है, उबेर कप हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है, उसेन बोल्ट एक धावक है, घुड़सवारी के कोर्ट परिसर को एरेना कहा जाता है। देखो घुड़सवारी कोर्ट के परिसर को एरेना कहा जाता है, राइट है। ठीक है, उसेन बोल्ट एक धावक है, इनके बारे में सब जानता है उसेन बोल्ट। ठीक है, उबेर कप हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको पता है बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ, तो उबेर कप ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। एक और पढ़ते हैं, टेबल टेनिस का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है ये सही नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको बताना है, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल, मुक्केबाजी। दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो राष्ट्रीय खेल है वह है आपका बेसबॉल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, अभी हमने थोड़ा सा इसमें डिस्कशन किया था, वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नॉर्मल पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में अभी हमने बताया कि 9 खिलाड़ी होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध एथलेटिक्स है, तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन सा एथलेटिक प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है, पीटी उषा, हिमा दास, बजरंग पूनिया, दूती चंद। तो जो हिमा दास है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से फेमस है, और आपकी जो उड़न परी के नाम से जाना जाता है तो वो है आपकी पीटी उषा। अभी हमने जो बेसबॉल देखा उसमें आपके खिलाड़ी जो होते हैं वो 9 होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हमारा क्वेश्चन था उसमें। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी और बेंगलोर, तो असम के गुवाहाटी में हुआ इसका आयोजन, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में संपन्न IPL 2019 का खिताब किसने जीता, जीतने वाली कौन सी टीम है? आपके पास ऑप्शन है, चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस। दोस्तों इसका कमेंट्स करके आपको मुझे उत्तर बताना है, क्योंकि ये आपका इस साल तो IPL होने वाले हैं, पिछले साल का IPL का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हाल ही में संपन्न वाला बता रहे हैं हम। तो मुझे कमेंट्स करके बताया कि कौन सी टीम जीती थी। 14 नंबर का आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है, 14 का 1, 2, 3 जो भी आपको ऑप्शन लगते हैं उस हिसाब से। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से खेल का यह महत्व नहीं निकलता है, इनसे व्यक्तित्व का विकास होता है, होता है, राइट है, इनसे शारीरिक विकास होता है, होता है, इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है, इसको छोड़ते हैं अभी हम, इनसे व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है, तो यह भी होता है। तो ज्ञानेंद्रियों का विकास भी होता है खेलों के द्वारा, आपको पता है मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञानेंद्रिय सभी तरह का विकास आपको खेलों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं लिखा है, तो हमारा जो है यह खेलों के महत्व में नहीं आएगा, क्योंकि अगर महत्व आता तो इसमें ऐसा रहता कि इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास
होता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप कंटिन्यू बने रहें जिससे कि आपके पर्यावरण की तैयारी मेरे द्वारा पूरी तरह से तैयार की जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों की भी अच्छी तैयारी हो सके, और आपका जो हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र स्टार्ट करने वाले हैं तो जिसका आपको नोटिफिकेशन मैं आपको कल वीडियो में बता दूंगा कि मैं कब अपलोड करूंगा, तो उसमें हम आपके 50-50 क्वेश्चन रखेंगे और आपके वीकली 2 वीडियो लेके आएंगे बाल विकास के, और उनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। और इन क्वेश्चन की PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें PDF डालने में थोड़ी सी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको उसमें आंसर भी चाहिए रहते हैं, तो मैं आपको कंप्लीट सारी PDF अपलोड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और लास्ट वाले दिन मैं एक से लेकर जितने भी हमारी क्लासेस होगी 100, 150, 150 वो सारी PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।